सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और 28 आ गई कि जी ये होगा वोटिंग का दिन, जिस दिन तहरीक एतमाद पर वोटिंग करवाई जाएगी। तो यानी कि अब जब जलसा होगा तो उस दिन तो लोग गुजर के वहां से नहीं जाएंगे, ये बात तो तय हो गई आलम जी। ये जो फैसला है ये सिर्फ एक तो कॉन्फिडेंस शो करता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने मसल्स दिखा रहे हैं कि अवाम उनके साथ है, और जब से ये सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए अवाम और ज्यादा चार्ज हो गई है। अवाम इस वक्त गुस्से में है कि ये मतलब सारे चोर एक जगह इकट्ठे होके इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए एक हो गए। तो ये इससे पहले हाफसाबाद में जलसा हुआ, उससे पहले देर में जलसा हुआ और विहाड़ी में जलसे, आपने देखा अवाम की बहुत बड़ी तादाद इन जलसों में शरीक हुई, और ये वजीर आजम साहब की मकबूलियत और इन चोरों का जो इस वक्त ग्रुप बना रहा है, तो मतलब फैसला अवाम ने नहीं करना, रकीन असेंबली ने करना है। देखिए यकीनन, लेकिन जो असेंबली में नुमाइंदे हैं अवाम ही इलेक्ट करती है ना उनको, बिल्कुल। ये सिर्फ वजीर आजम साहब दिखा रहे हैं कि आज भी वो मकबूल तरीन लीडर है, ये दिखा रहे हैं कि अवाम का एतमाद आज भी उन्हें हासिल है, और इसीलिए और उन्होंने बारहा कहा कि कोई फिक्र नहीं है अदमो एतमाद, और ये जो सारे इनकी कैंपेन चल रही है इंशाल्लाह 28 को आपके सामने होगा। इससे पहले भी जब सेनेट की चेयरमैन की मीटिंग आई, पैटअप का बिल आया, नैप तरामीम आई, फाइनेंस बिल्स आए, इन सब चीजों में हमें अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स में हमने अपनी मेजोरिटी शो की, और तब भी इनके यही बयानात होते थे आज हुकूमत गिरा रहे हैं कल गिरा रहे हैं, हमारे नंबर्स पूरे हो गए, हमने फला लिया, जरदारी ने पैसा चला लिया है। तो ये चीजें इससे पहले कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये इससे पहले भी ये तारीख रही है, लेकिन हमेशा वजीर आजम साहब ने इनको शिकस्त दी, और इससे पहले वजीर आजम साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके इन्हीं असेंबली से, इन्हीं अराकीन से। तो इंशाल्लाह अब के फिर से वही तारीख दोहराई जाएगी इंशाल्लाह, और इन लोगों को शिकस्त होगी। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ अपोजिशन से, मुझे ये बताएं कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि वजीर आजम साहब की मकबूलियत में कमी आ गई है, महंगाई है, लोग परेशान है, इकोनॉमी तबाह हो गई है, तो एक साल बाद लाने की क्या जरूरत है, इलेक्शन का वेट कर ले। वो सवाल देखिए अपनी जगह है, लेकिन अब सूरत हाल ना वो वाली नहीं है जो पहले जो सेनेट में होती रही, बिल पेश करते हुए होती रही। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बैरूनी एजेंडा के तहत अच्छा, जहाँ एक साल की हुकूमत रह गई, ठीक है, क्यों इसको गिराना चाहते हैं? ठीक है, मैं ये सवाल कर लेती हूँ आलमगीर, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि ऑपोजिशन के लोग भी हमारे साथ हैं, उनका मौकफ भी आ जाए। तो कादिर खान मंदोखेल साहब बड़ी अलमबरदार है जमहूरियत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यों एक वजीर आजम अपनी 5 साल मुद्दत पूरी ना करे, सिर्फ 1.5 साल ही रह गया है, क्या जरूरत थी आज ही ये तहरीक अदम एतमाद लाने की? और ये फिर सबसे बड़ी बात ये कि भाई तहरीक अदम एतमाद लेकर आना और उसको पास करवाना, कितने श्योर हैं आप लोग कि ये हो भी जाएगा, पास भी हो जाएगी? मंदोखेल साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही, मंदोखेल साहब आपकी मुझे आवाज नहीं आई। सर आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगी जरा ये मसला हल करें। तो राणा साहब से ये सवाल पूछ, राणा साहब मुझे बताएं, जरूरी है कि एक वजीर आजम उसकी मुद्दत होने पूरी होने से पहले उसको घर भेज दें, और आप भेज भी दें तो उसके बाद क्या होगा फिर पूरी करने के? तो 1.5 साल ही तो रह गया था, तो जरूरी था कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आना ही आना था अपोजिशन ने? देखिए जो अदम एतमाद है वो एक आईनी रास्ता है, और वो हुकूमत से एक दिन पहले भी लाया जा सकता है, और हुकूमत का 1 साल हो या 1.5 साल हो तब भी लाया जा सकता है, लेकिन अभी लाने का इसका मकसद ये है कि ये हुकूमत हर लिहाज से फेल हो गई है, और ये 1.5 साल पूरा करके पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचाने लगी, ये 1.5 साल मुकम्मल करके एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं लाने लगी, और जिस तरह के ये रस्ते पे चल पड़े हैं, जितना इन्होंने जिस तरह स्टेट बैंक को IMF के हाथों गिरवी रखवा दिया है, जिस तरह ये कर्जे ले रहे हैं, तो जो आगे का रास्ता है ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को एक ऐसे रिहाने पे ना ला खड़े हो जहां से
इसको बेहतरी की तरफ ले जाना मुश्किल हो जाए। सर देखिए ये सिचुएशन है ना महंगाई की और कर्जों की, तो वो तो कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है कि जो आए हुकूमत में और आके एकदम ठीक कर दे, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन अभी ये बताएं कि आपके पास कितने नंबर्स हैं, या मैं ही कहूँ आसान अल्फाज में कितने बंदे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का नंबर पूरा हो जाएगा आपके पास, इत्तेहादियों ने कितनी यकीन दहानी कराई आपको? देखें हमने जब ये इसको अदम एतमाद जमा कराई तो हमारी नंबर गेम मुकम्मल थी, तो हमने जमा कराई और इसके अंदर जो ताखीर हुई वो इसी वजह से हुई कि इसमें हमें अश्योरिटी हो कि ये कामयाब हो जाएगी, इस ये जानते हुए हमने कराई। दूसरी चीज जो इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो पहले इनके साथ खड़े थे, आज ये इमरान खान साहब कराची चक्कर लगाते हैं, वो कहते हैं जी अभी हमने फैसला नहीं किया, हमारी ऑप्शंस ओपन है। फिर ये बार बार गवर्नर साहब को भेजते हैं, वो कहते हैं हमने फैसला नहीं किया, हमारी ऑप्शन ओपन है। फिर ये काफ लीग वालों से मुलाकात करके आते हैं, वो कहते हैं हमारी बातचीत ही इस मामले पे नहीं हुई। ये क्यों झूठ बोलते हैं, इनको हकायक हमने भी तो बोलना है आखिर, तो हम सच बोल देंगे। कोई अभी मामला तय नहीं पाए, हमारी ऑप्शन ओपन है। तो अभी तक अगर कोई प्लस हुआ है तो वो ऑपोजिशन के हक में कोएलिशन पार्टनर्स ने किया है कि उनकी ऑप्शंस ओपन है और बातचीत जारी है। राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी नंबर गेम हम मुकम्मल लेके चले, और ये कोएलिशन पार्टनर्स हैं ये अब ये इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये डेवलप हो रहे हैं मामलात, ये एक अश्योरिटी की तरफ मामला जा रहा है और इनको सब लोगों ने छोड़ जाना है क्योंकि डूबती किश्ती के अंदर कोई सवारी नहीं करना चाहता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।